शनिवार को शाम को जान सहित मारने की कोशिश की थी। कंप्लेन किया है अचोले तला, तो उन्होंने बोला कि एवर शमशान में आओ, तो हम लोग ने गया था। देखो हम लोग पूरे दिन उधर ही बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं, बस एक दो डंडा मारे बोलते। फिर हम लोग बोले कि सर आप क्या होगा, बोलते कुछ नहीं होगा, अब जाओ कुछ नहीं करेगा। और उन्होंने पैसा खाया और बोलते कि क्या 100-150 के लिए झगड़ा कर रहे हो, जाने दो अपना बनवा लेना मोबाइल। उसका हथियार यूज करके उसके सर में वो मल्टीपल टाइम्स मार के उसको उसका मर्डर किया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वाली पुलिस के ठीक सामने, जहाँ पर मामला दर्ज कर दिया गया है। रोहित जो मर्डरर है, जिसने आरती की दरिंदगी भरी जो हत्या कर दी, उसको यहीं पर लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे पहले एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आरती की हत्या के आज यानी कि 18 तारीख से ठीक पहले 8 तारीख को इसी महीने में आरती ने एक मामला दर्ज कराया था अचोले पुलिस स्टेशन में। उन्होंने वहाँ शिकायत की थी कि यही जो रोहित नामक शख्स है वो लगातार उसे परेशान कर रहा है। और उनकी बहन से जब हमने बातचीत की आरती की, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अचोले पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने के साथ एनसी दी गई थी, वहाँ पे एनसी में मामला दर्ज हुआ था। उसी के साथ ये उनसे कहा गया था कि आरती को जान से मारने का प्रयास रोहित पहले भी कर चुका था। उसकी एनसी की कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हालांकि उसमें सिर्फ मोबाइल को तोड़ने वाली बात कही गई है। उसमें उस पूरे मामले पर जो झगड़ा हुआ था, उसमें मोबाइल टूट चुका था, उसकी बात का जिक्र है वहाँ पर। लेकिन ये जो आरती की बहन है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अचोले पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अगर वो ठीक से इस मामले को गंभीरता से लेते और रोहित पर कड़ाई से पेश आते, तो हो सकता है कि आज आरती जिंदा होती। इस पूरे मामले पर आरती की बहन ने क्या कुछ बड़ा खुलासा करते हुए कहा, जरा सुनिए। मेरी बहन को जान सहित मारने की कोशिश की थी, तो ये अपना शनिवार को, तो हमने कंप्लेन किया है ये अपना अचोले तालाब पे, तो उन्होंने बोला कि एवर शमशान में आओ, तो हम लोग ने गया था। तो संडे को हम लोग पूरे दिन उधर ही बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं, बस बुलाए, फिर उनको एक दो डंडा मारे बोलते। फिर हम लोग बोले कि सर आप क्या होगा, बोलते कुछ नहीं होगा, अब जाओ कुछ नहीं करेगा। तो हम लोग बोले ठीक है, अगर अभी मेरी बहन को कुछ हो तो मैं नहीं छोड़ने वाली। तो बोलते कि चलो अब कुछ नहीं होगा, चलो सब देखा जाएगा जो होगा अभी। और उन्होंने पैसा खाया और बोलते कि क्या 100-150 के लिए झगड़ा कर रहे हो, जाने दो अपना बनवा लेना मोबाइल। मोबाइल किसने तोड़ा था, क्या हुआ था? वो लड़के ने तोड़ा था, सब शनिवार को ही क्या। तो हम लोग शनिवार को 1 बजे रात को गए थे, कंप्लेन किए थे, तो 1 बजे रात को कंप्लेन किए तो बोले कि एवर शमशान में आ जाना सुबह। तो हम लोग सुबह 12 बजे बुलाए थे, मैं गई थी भी, तो वो लोग बोले कि ठीक है आओ अभी बैठो। तो हम लोग 1 घंटा मतलब सुबह से लेकर पूरे रात तक बैठे रह गए, पर उन्होंने बस खाली बुलाया उसको और मारा, एक डंडा मारा, दो डंडा मारा, जो भी मारा मैंने नहीं देखा, मेरी दीदी थी अंदर, उन्होंने देखा। तो उन्होंने बताया कि मार खाया 2 डंडा और बस उसको छोड़ दिए। तो हम लोग ने बोला कि अब मतलब कुछ होगा नहीं ना हम लोग को, तो बोलते नहीं होगा। क्या मांगे? अभी वो मेरी दीदी को अन्याय चाहिए, नहीं तो मैं मोर्चा निकालने वाली बहुत ज़रूरी हूँ। अब सवाल ये है कि पुलिस जब जिस समय उनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे मानसिकता के लोगों को रोकने वाले के कदम उठाने चाहिए, उस समय वो क्यों रुक जाती है? अगर अचोले पुलिस स्टेशन की तरफ से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए रोहित ने जिस प्रकार से ज़बरदस्ती की थी, मारने का प्रयास किया था, फोन तोड़ दिया था, अगर उस समय एक कड़ाई से पेश आते और रोहित को दंडनीय दंडात्मक कार्रवाई के लिए उसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाते, शायद हो सकता है कि आज आरती हम सब के बीच में जिंदा होती। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर स्थानीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने क्या कुछ बताया, वो भी सुनिए। 845 का मामला है, लड़की का जो प्रियकर है उसने लड़की के ऊपर अटैक किया, इंडस्ट्रियल पाना जो रहता है उसका हथियार करके यूज़ करके उसके सर में वो मल्टीपल टाइम्स मार के उसको उसका मर्डर किया है। इंटेंशन क्या था लड़के का? प्रेम प्रकरण है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर? आरोपी एक इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम करता है, लड़की भी इंडस्ट्री में ही काम करती है, इंडस्ट्रियल इस्टेट में, फैक्ट्रीज में। सर लड़का नशे वैसे भी नहीं था ना? नहीं।